Hello everybody, today we will learn how to talk about yourself. Okay, so अगर आपको conversation start करना है English में और आपको stranger से बात करनी है और आपको नहीं मालूम कैसे start करें conversation, so you can start by talking about yourself. Okay, so in today lesson we will learn how to ask the name and the address of the person. Okay, only two things, the name and address. So we will learn to ask the name and address. So today objective is we will learn how to ask the name of the person and their address, where they live. तो आज का ऑब्जेक्टिव ये है कि उनका नाम पूछना है हमें और वो कहाँ रहते हैं. ओके, दैट सिंपल. ओके, सो यू आर मीटिंग सम न्यू पर्सन, आप किसी नए आदमी से बात कर रहे हो, तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे. सबसे पहले आप उसको विश करेंगे, हाय, हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, जो भी आपको कहना है कहिए, हाय, हेलो. ओके, आप उसका अटेंशन गैदर करेंगे पहले, हाय, हेलो से. ओके, अटेंशन के बाद आप अपना नाम बताएंगे, आई एम कबीर. ओके, आई एम आसिम, आई एम एक्स वाई जेड, जो भी आपका नाम है बोलेंगे, आई एम, या माई नेम इज़ आई एम. ओके, फिर आप बताएंगे आप कहाँ से हैं, लाइक I am from civil lines. I am from California. I am from XYZ. Okay. तो आपको ये तीन चीज़ बताना है. आपको पहले अटेंशन लेना है, उसको ग्रीटिंग्स करना है, हाय, गुड मॉर्निंग, हाय, गुड इवनिंग, हाय, गुड आफ्टरनून. तो हाय, हेलो से स्टार्ट करेंगे, फिर अपना नाम बताएंगे, लाइक फॉर एग्जांपल, आई एम कबीर, हाय, आई एम कबीर. ओके, और उसके बाद बताएंगे अपना कहाँ पर रहते हैं, आई एम फ्रॉम, या आई लिव इन. सो इट इज़ लाइक दिस, है, आई एम कबीर, आई एम फ्रॉम सिविल लाइन्स. ओके, लेट मूव ऑन फर्दर. यू कैन आफ्टर टेलिंग दिस यू कैन डू लाइक दिस, सो यू कैन रिपीट आफ्टर मी, हाय, आई एम कबीर, आई एम फ्रॉम सिविल लाइन्स, नाइस टू मीट यू. आपको नाइस टू मीट यू बोलना है कि आपको मिलके अच्छा लगा, हाय, आई एम कबीर, आई एम फ्रॉम सिविल लाइन, नाइस टू मीट यू. यू कैन रिपीट आफ्टर मी, हाय, आई एम कबीर, आई एम फ्रॉम सिविल लाइन्स, नाइस टू मीट यू. ओके, यू कैन ऑल्सो ऐड योर ऑक्यूपेशन, आप अपने आप क्या काम करते हैं, आपकी जॉब क्या है, आपकी मशगूलियत क्या है, आप कहाँ बिजी रहते हैं, आप ऐड कर सकते हैं. ओके, अगेन, Hi, I am Kabir. I am from civil line. I am an accountant. Or I am a businessman. Nice to meet you. Okay. Hi, I am Kabir. I am from civil lines. And I am an accountant. Yeah, I am a student. I am a teacher. ये अभी occupation वाला बाद में भी हम इसको पढ़ेंगे details में. But general introduction के लिए क्या करेंगे? Hi, I am Kabir. I am from. अपने locality का नाम. Then I am an accountant. Yeah, I am a teacher, I am a student, I am an engineer. Then nice to meet you. Okay. तो अपनी conversation बाद आपको ये उनको बोलना है, nice to meet you. This is the etiquette of talking. Nice to meet you. Okay. Now you will ask the question. उससे आप सवाल करेंगे. Okay. You can ask, what is your name? आपका नाम क्या है? उसने आपका नाम बताया, सौरभ. ओके, तो आपने जैसे सही से सुना नहीं उसको, तो यू कैन से, डिड यू से सौरभ, क्या आपने सौरभ बोला? ओके, सो यू कैन आस्क, व्हाट इज़ योर नेम, या व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, डिड यू से सौरभ, क्या आपने सौरभ बोला? ओके, यू कैन आस्क, व्हाट इज़ योर लास्ट नेम, आपका आखिरी नाम क्या है? व्हाट इज़ योर लास्ट नेम, ये रैपो बिल्ड अप करने के लिए. ओके, सो यू कैन से, व्हाट इज़ योर नेम. ओके, अगर उसने कुछ नाम बोला, आपको सुनाई नहीं दिया, या आप चाहते हैं कि वो रिपीट करे, तो यू कैन से, डिड यू से सौरभ, या डिड यू से कबीर, डिड यू से आसिम, कोई भी नाम है. ओके, अगर नाम उसका थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको समझ में नहीं आ रहा, उसकी स्पेलिंग नहीं मालूम हो रही है. ओके, उसके स्पेलिंग समझ नहीं आ रही है, कैसे उसको लिखा जाता है, कैसे उसको प्रोनाउंस किया जाता है, तो आप बोल सकते हैं, हाउ डू यू स्पेल डैट, उस नाम को किस तरह से आप बोलेंगे, लाइक सौरभ कैसे स्पेल करेंगे, S A U R A
बी एच सौरभ, और एक सौरभ ऐसे होता है एस ए यू आर ए वी सौरभ, ओके। तो यू कैन आस्क हाउ डू यू स्पेल डैट, आप उसको कैसे बोलते हैं कैसे लिखते हैं, सो ही वर्ड बाई वर्ड ही विल डू डैट, ओके। सो यू कैन आस्क वॉट इज़ योर नेम, यू कैन से डिड यू से सौरभ, क्या आपने सौरभ बोला, क्या आपका नाम सौरभ है, डिड यू से सौरभ, वॉट इज़ योर लास्ट नेम यू कैन आस्क, एंड हाउ डू यू स्पेल डैट। नाउ यू कैन आस्क एड्रेस, अब एड्रेस पूछने के लिए तीन तरीके हैं, तीन क्या बहुत तरीके हैं, आप इसमें से जो आपको आसान लगे याद कर लीजिए, लाइक वेयर यू लिव, आप कहाँ रहते हो, वेयर यू लिव, आप कहाँ रहते हो, वेयर मतलब कहाँ, लिव रहना, वेयर यू लिव, और यू कैन आस्क वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, और यू कैन आस्क वॉट लोकेलिटी यू कम फ्रॉम, आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं, विच लोकेलिटी लोकेलिटी यू कम फ्रॉम, ओके। सो वेयर यू लिव, वेयर आर यू फ्रॉम, वॉट लोकेलिटी यू कम फ्रॉम, तो आप इसमें जो आपको आसान लगे आप इसको याद कर सकते हैं, वेयर यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ से हैं, वॉट लोकेलिटी यू कम फ्रॉम, आप किस जगह से बिलोंग करते हैं, ओके। सो इट्स वेरी सिंपल, लेट मी रिपीट इट, यू टू से हाई हेलो, यू गेट द टेंशन, एंड टेल यू नेम, आई एम आसिम, आई एम फ्रॉम सिविल लाइन, ओके, हाई आई एम आसिम, आई एम फ्रॉम सिविल लाइन्स, ओके। नाउ यू आस्क द अदर पर्सन, बिफोर आस्किंग यू हैव टू से नाइस टू मीट यू, हाई आई एम आसिम, आई एम फ्रॉम सिविल लाइन, नाइस टू मीट यू, ओके। सो वॉट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, ही विल टेल यू द नेम, डिड यू से सौरभ, क्या आपने सौरभ बोला, ओके। वॉट इज योर लास्ट नेम, यू कैन ऐड, ओ हाउ डू यू स्पेल दैट, आप इसको कैसे स्पेल करते हैं, गुड। देन यू कैन आस्क वेयर यू लिव, या वेयर डू यू लिव, और वेयर आर यू फ्रॉम, और वॉट लोकेलिटी यू कम फ्रॉम, ओके। सो टुडे यू लर्न कि हाउ टू आस्क अ नेम एंड एड्रेस, अगर आपसे कोई सवाल कर रहा है वॉट इज़ योर नेम, ओके, एंड वेयर डू यू लिव, या वेयर यू स्टे, टुडे आई एम आसिम, यू टेल योर नेम, एंड वेयर डू यू स्टे, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, तो आप क्या बोलेंगे, आई लिव इन सिविल लाइन, या माई एड्रेस इज, या आई स्टे इन सिविल लाइन्स, आपकी जो लोकेलिटी है वो आप पुट करेंगे, आई स्टे इन, या अगर आप हॉस्टल में रहते हैं, यू कैन से आई स्टे एट हॉस्टल, आई स्टे एट हॉस्टल, ओके, आई स्टे इन सिविल लाइन्स, आई लिव इन सिविल लाइन, आपका जो जो भी एरिया का नाम है इनके बाद पुट करना है, आई लिव इन, या माई एड्रेस इज, आई स्टे इन, आई स्टे एट हॉस्टल, ओके। सो देयर इज अ मेनी एक्टिविटी फॉर यू, एक्टिव वन, यू हैव टू मीट फाइव न्यू पीपल, ओके, आपको पांच नए लोगों से मिलना है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, हाय आई एम आसिम, आई एम फ्रॉम सिविल लाइन्स, उसके बाद उनके नाम पूछने हैं, वॉट इज़ योर नेम, ओके, डिड यू से सौरभ, डिड यू से आसिम, ओके, हाउ डू यू स्पेल डैट, ओके, देन उनके एड्रेस पूछना है, वेयर डू यू स्टे, वेयर यू स्टे, वेयर यू लिव, वेयर आर यू फ्रॉम, वॉट लोकेलिटी आर यू फ्रॉम, वॉट इज़ योर लोकेलिटी, ओके, विच एरिया डू यू बिलोंग, सिंपल, कोई भी आपको लगे, वेयर आर यू फ्रॉम इज सिंपल है, और विच एरिया डू यू बिलोंग, वेयर डू यू लिव, या वेयर यू लिव, ये बहुत सिंपल है, वेयर यू स्टे, वेयर यू लिव, यू कैन यूज, ओके। ये एक्टिविटी के बाद आपको क्या करना है, आपको मैसेज करना है पांच अननोन पर्सन को, आपको व्हाट्सएप खोलना है और पांच अननोन पर्सन को मैसेज करना है, ओके। आपके पास बहुत से कॉल आए होंगे मगर आप उनके बारे में भी नहीं जानते, उनके नाम नहीं जानते और वो कहाँ से या नहीं जानते, तो यू जस्ट टाइप हाई, टेल यू डिटेल्स, आई एम आसिम, ओके, फ्रॉम इलाहाबाद, फ्रॉम सिविल लाइन्स, एनीथिंग, आई एम आसिम फ्रॉम, ओके, देन आस्क व्हाट इज़ योर नेम, टू नो देयर नेम, एंड वेयर डू यू लिव, दिस टू थिंग, ओके। सो टुडे यू हैव लर्न टू आस्क द नेम, ओके, एंड देयर एड्रेस, so if you practice with five people in person and with five people through message you can have great command, okay. So this is all for today, in the next class we will learn about the occupation where we'll meet the people and ask about their occupation.
what they really do. Nice to meet you. Thank you.